वेलकम बैक दोस्तों। तो मैं हूं आपका दोस्त विकी आचार्य और आप देख रहे हैं विकी आचार्य व्लॉग्स। तो दोस्तों फ़िलहाल मैं आया हूं आज पलचान तक, यहां जो हमारे ताऊ जी का कैंपिंग साइट है वहां पर आया था और यहां पर थोड़ी देर रुक गया था मैं सीनरी देखने के लिए। काफ़ी अच्छी जगह है इसलिए यहाँ आने का बार बार मन करता है। तो दोस्तों यहाँ मुझे एक छोटा सा काम, मुझे लगभग 25-30 लोगों का खाना बनाना है, यहाँ पर डिनर बनेगा आज, तो इसीलिए मैं दिन के 2 बजे आया हूँ यहाँ पे। और ये है कुल्फी एप्पल जो मैं खा रहा हूँ। चलते हैं नीचे, यहाँ तो फिलहाल कुछ नहीं दिख रहा मुझे। यहाँ पर सेब अभी तोड़ने को हैं थोड़े बहुत, इनमें शायद कलर की कमी है इसीलिए थोड़े फेड से हो गए हैं। ऐसा लग रहा है जैसे इनमें कलर नहीं आएगा। ये लास्ट वैरायटी होती है, सबसे लास्ट में यही पकती है, इन सेबों को बेचा जाता है। और यहाँ पर देखिए, यहाँ ओलों का निशान यहाँ पर भी है थोड़ा थोड़ा, काफ़ी सेब रह गए यहाँ पे। ये देखिए हरे सेब हैं कई तो। यह है बेंगलोर। तो दोस्तों ये मेरे पीछे रहा डाइनिंग हॉल है, शायद रेस्टोरेंट होगा और अंदर किचन है, तो यहीं पर खाना बनाएंगे हम लोग। तो चलिए अंदर ले जाता हूँ मैं आपको। यहाँ पर गेस्टों को बिठाया जाएगा और वहाँ पर इस तरफ देखिए बफे लगे हैं, तो यहाँ पर खाना सर्व होगा उन लोगों के लिए। यहाँ पर गिलास वगैरह सब कुछ रखा हुआ और यहाँ पर अंदर है किचन। अब चलते हैं ऊपर छत की तरफ, मैं दिखाता हूँ आपको एरिया, अपना कैंपिंग साइट दिखाता हूँ मैं आपको। और इस कैंपिंग साइट के बिल्कुल साथ में है एक ये पीछे आश्रम की बिल्डिंग, कोई आश्रम है यहाँ पर, और मैंने सुना कि यहाँ सत्संग वगैरह भी होता है। और यहाँ देखिए बिल्कुल छत के ऊपर ये सारे सेब आए हुए हैं, जो इसकी टहनियाँ हैं सारी छत के ऊपर आई है, तो आप छत पर बैठ बैठ के भी सेब खा सकते हैं यहाँ पे। देखिए किस तरह की फसल है, बहुत ताबड़तोड़ फसल है इस बार। और ये छोटे छोटे हट है यहाँ पर, मैं पहले भी दिखा चुका हूँ वैसे ये वाले हट तो। और एक बिल्डिंग ये वाली है पीछे वाली, जहाँ रूम आपको अवेलेबल होंगे। और ये जो सामने से मैंने दिखाया था आपको बंगलो, यहाँ पर भी शायद 2-3 सेट हैं अंदर, तो रहने की पूरी व्यवस्था है। और वो पीछे रहा पलचान विलेज, ये पलचान विलेज है और उस तरफ है रोहतांग, रोहतांग पास। दोस्तों जब बारिश वगैरह आती है तो वहाँ पर एक वाटरफॉल बन जाता है और काफ़ी खूबसूरत वो वाटरफॉल होता है जब पानी ज़्यादा होता है। फ़िलहाल अभी पानी थोड़ा कम है शायद वहाँ पे, इसीलिए नज़र नहीं आ रहा। और बाकी इस एरिया में तो बहुत सारे वाटरफॉल और नेचुरल ब्यूटी आपको मिलेगी बहुत सारी। और यहाँ से ट्रैक, छोटे छोटे ट्रैक भी जाते हैं, यहाँ से आप ऊपर पहाड़ों पर जा सकते हैं, उस तरफ भृगु लेक है ऊपर, यहाँ पर भृगु लेक मिलेगा आपको। और शायद आप देख रहे होंगे तो ऊपर पैराग्लाइडिंग हो रही है, मैं जूम करके दिखाता हूँ आपको। वो देखिए, यह हो सकता है शायद मड़ी से आ रहे हों ग्लाइडर्स, या भृगु से आ सकते हैं शायद। तो वापस चलते हैं अब डाइनिंग हॉल की तरफ, देखते हैं वहाँ क्या हो रहा है। अभी मेरा सामान नहीं है खाना बनाने का, तो भाई जी का फ़ोन आया था कि थोड़ा सा लेट हो सकते हैं, तो चलो बैठते हैं थोड़ी देर इंतज़ार करते हैं। तो रसोई बनाने का जो सामान है वो आ चुका है, तो चलते हैं हम किचन की ओर और बनाते हैं रसोई। ठीक ठीक रहेगा ना, तब थोड़ा
दोस्तों लगभग 3 घंटे में हमारी रसोई तैयार हो जाएगी। गेट में मेरी कंप्लीट है, खाना बन चुका है, अब सिर्फ खिलाने की देर है। तो उसमें शायद थोड़ी देर पड़ सकती है क्योंकि ये सब बैठे हैं ड्रिंक करने कहीं पे। शायद कुछ एक लोग ड्रिंक कर रहे हैं, तो बाकी उनका वेट कर रहे हैं कि कब आएंगे। और साथ में क्योंकि एक साथ ही सब खाना खाएंगे तो थोड़ी देर और इंतज़ार कर लेते हैं, उसके बाद बाकी का प्रोसेस आगे बढ़ाएंगे हम लोग। तो गाइस रात के बज गए हैं 10:30 और मैं अभी घर पहुंचा हूं, और मेरे पहुंचते ही बाहर बारिश भी शुरू हो गई है। हालांकि थोड़ी देर पहले भी बारिश लगी हुई थी लेकिन अभी मेरे आते आते रुक गई थी, तो मुझे घर आने का अच्छी तरह से मतलब ठीक मौका मिल गया कि मैं घर पहुंच सकूं। और जैसे मैं घर पहुंचा थोड़ी देर में ही बारिश दोबारा से शुरू हो गई है। तो दोस्तों ये था मेरा आज का प्रोग्राम, काफ़ी लेट फारिग हुआ हूँ आज, काम काफ़ी लेट तक चला। तो चलिए वैसा होता है कई जगह, कई बार ऐसा भी होता है। तो आपको मेरा व्लॉग कैसा लगा आज का मुझे ज़रूर बताइएगा, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और वीडियो अच्छा लगता है उसे शेयर भी करें। तो बहुत ही जल्द एक नए वीडियो के साथ फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए